सिंह को रतन सिंह को कैद कर लिया, दिल्ली के सिख तुम्हें बंद कर दिया राणा भीम सिंह, और खत में लिख दिया महारानी पद्मिनी अगर अपने पति को जिंदा चाहती। अलाउद्दीन खिलजी ने तो मेरी शरण में आ जा, नहीं तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना पद्मिनी तू रहेगी। मेहरबानों सन्नाटा छा गया सारे चित्तौड़ में, और उधर पद्मिनी के होश हवास नहीं। लेकिन मेहमानों जिस तरीके से बहका कर अलाउद्दीन खिलजी और भीम सिंह को दिल्ली ले गया था और जेल के सिकंजों में बंद कर दिया, उधर पद्मिनी 7,000 डॉलर लेकर दिल्ली के रवाना हो जाती है। कठे साठे समाचारे जैसे को तैसे। मेहरमानों 14,000 दो दो लोहार डोले में मिठाई लिए चलाओ, दिल्ली के लिए कूच करो। महारानी पद्मिनी दिल्ली के लिए कूच कर जाती है, खबर भेजती दिल्ली दरबार में कि महारानी पद्मिनी 7,000 डोले लेकर 7,000 रानियां लेकर आपकी शरण में आई हुई है। अलाउद्दीन का क्या कहना था, कहने लगा ए भीम सिंह 7,000 डोलों के साथ तेरी महारानी पद्मिनी मेरी शरण में आ चुकी है। धक्का सा लगा छत्री के, विश्वास नहीं होता लेकिन, और सुन अभी मैं तुझे दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। मेहरमान आंखों में आंसू आ जाते हैं, हे पद्मिनी तूने क्या किया, आइए चलता है। जंजीरों में बंधा हुआ भीम सिंह और डोले के समीप जाता है पद्मिनी के डोले के, और रास्ते में क्या सोचता है, गजब हो गया पद्मिनी मैं तुझे ऐसा नहीं जानता था। डीजे रागनी में अरे बाता के वंशजों का पापा की औलाद आज दिल्ली में और मुगलों के सामने डोला लेकर आ गई। बापा के वंशजों का आज डूब गया सितारा, बापा के वंशजों का आज डूब गया सितारा, बाप खाके हो गया है सब खाके हो गया है, विख्यात यश हमारा बापा के वंशजों का सब डूब गया सितारा, सब खाके हो गया है सब खाके हो गया है, विख्यात यश हमारा से
लेकिन आज मुगलों के सामने तुमने वो चक्र दिखा दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। देखा यहाँ रोबता किनारा बिन आंसुओं से देखा यहाँ रोबता किनारा सब खाक हो गया है सब खाक हो गया है बिख्या के ऐसे हमारा खाक हो गया है। जंजीरों में जकड़ा हुआ भीम सिंह कहने लगा मैं देवी समझता था लेकिन आज मुगलों के सामने सरेंडर करके आत्मसमर्पण करके तूने हिंदुओं की लाज नहीं रखी देवी आंखों में आंसू की धारा खन खन करता हुआ टोले के समीप जा रहा था भीम सिंह और किस तरीके से देखा तो निकल भिनगे क्या दोष था हमारा देखा तो निकल भिनगे क्या दोष था हमारा सब खाक हो गया है सब खाक हो गया है विख्यात और क्या कहना भीम सिंह सने सने टोले के पास जा रहा था कैसे बंधन अटूट होता बचनों में साथ फेरे बंधन अटूट होता ओ में साथ फेरे वेदों की ओर जाए वेदों की ओर जाए कर सत्य को गवारा वेदों की ओर जाए कर सत्य को गवारा सब खाक हो गया सब खाक हो गया इस ऐतिहासिक बात पर खुश होकर के हमारे बड़े ही परम आदरणीय जो आज की डेट में दिल्ली के अंदर श्री लखवीर सिंह लखा जो भजनों के राष्ट्रीय कलाकार हैं उनके द्वारा सबसे बेहतरीन कैमरामैन का अवार्ड यानी पुरस्कार मिला है उन्हें अभी पिछले महीने वो इस रागनी पर खुश होकर के हमारे बड़े भाई परम आदरणीय मनोज वैसला जी जो कुशलीपुर पलवल से हैं हमारे बीच में हैं 101 रुपए से इस रागनी पर पार्टी का सम्मान करते हैं भाई साहब के लिए बार बार धन्यवाद।
में विकार उठते, मन में विकार उठते, क्यों गर्दी बनी तू, मन में विकार उठते, क्यों गर्दी बनी तू, मुंह देखने से पहले ओ, मुंह देखने से पहले मरू मार के दुधारा, मुंह देखने से पहले मरू मार के दुधारा, सब खाके हो गया है, सब खाके हो गया है, फिर जाके ऐसे हमारा, सब खाके हो गया है, पदमनी नहीं थी, दो लोहार बैठे थे हथौड़ी और छेनी लिए। आइए ठास बहुत लंबा है, समय कम है, सबसे हमारी बड़ी कलाकार आपके सामने है, एक बात कहते अपनी बात राम दे दो। छंद का करिश्मा, अमर चंद तेरे इस छंद का करिश्मा, बाजे पे ले लिया है, बाजे पे ले लिया है, एक राजू का सहारा,